हिंदू हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, इस दिन को वो भरपूर तरीके से मनाता है। वाकई जैसे पर एक दिन हम ऐसे सफर कर रहे थे तो एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था कि ये सारी कौमें जो हैं जब सजदे में गिरती हैं और अपने हाथ जो हैं वो बांधती हैं तो एक खुदा के सामने झुकते हैं, तो हमें क्यों नहीं पूरी कौम को भी एक हो जाना चाहिए। ये दिन जो है वाकई आज सोचने का है, समझने का है कि वाकई हम इस तरह से सोचते हैं। बिल्कुल अज़बैला, इस दिन को सारी कौमें जो हैं वो मनाती हैं क्योंकि ये मुल्क जो है वो सबके लिए है। सो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि यहाँ मसीही होते हुए क्या वाकई हम इस मुल्क में आज़ाद हैं और इसको खुशी के साथ मना सकते हैं? जी बिल्कुल जस्पर भाई, हम इस मुल्क में बिल्कुल आज़ाद हैं और एक आज़ाद कौम की हैसियत से इस मुल्क में रह रहे हैं। हमें बकायदा तौर पर तलीमी तौर पर आज़ादी है, मजहबी तौर पर आज़ादी है। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया तो हमारे वोट बहुत कीमती थे, हमारे जो मजहबी रहनुमा थे उन्होंने वोट जो कास्ट किए उसकी वजह से पाकिस्तान बना, और हमारे जो कायदे आज़म साहब हैं, कायदे हमारे, उन्होंने भी हमें मजहबी तौर पर बड़ी आज़ादी का कहा है। उनका डेक्लेशन जो आया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम तमाम जो कौमें हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। लिहाजा इस मुल्क में हमें मुकम्मल आज़ादी है और हम अपनी आज़ादी से जी रहे हैं, मजहबी तौर पर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हर बंदे को मुल्क की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे ये है कि चैरिटी बगैन से ठूम, पहले अपने आप को ठीक करें, फिर आप अपनी कौम, कलीसिया और मुल्क के बारे में सोचें। जब हर बंदा ठीक होगा तो इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा, और हमें इसकी सलामती और इस्तेकाम के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। तो हमारी ये दुआ है हमारे बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, इस मुल्क में जो हेल्थ के लिए जो काम हो रहे हैं उसके लिए हम दुआ करेंगे, और इस मुल्क में जो एजुकेशन के लिए काम हो रहे हैं, जो सियासी तौर पर लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं चला रहे, हम दुआ करते हैं कि वो भी लोग इसको सियासी तौर पर अच्छे तरीके से चलाएँ और ये मुल्क हमेशा कायम दायम रहे। सो डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत इंफॉर्मेशन दी है कि जब पंजाब असम्बली में इलेक्शन जो था वो बराबर हो रहा था तो हमारे मजहबी रहनुमाओं के वोटों की वजह से ये जो है पंजाब असम्बली में हमायत हुई कि पाकिस्तान जो है वो बनना चाहिए, पंजाब को बनना चाहिए। सो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और ये भी बड़ी जामे बात की है कि जब पाकिस्तान बन गया तो तब भी हमारा मसीह होने के नाते बड़ा खूबसूरत रोल है, एजुकेशन में हमारा रोल है और फिर मेडिकल में हमारा रोल है। सो बहुत से शोबों में क्रिश्चियंस ने इस तामीर पाकिस्तान में भी जो है अपना किरदार अदा किया है। मिस इस्लीम, आप अपने घर में जश्न आज़ादी को किस तरह से मनाते हैं? सबसे पहले तो हम लोग दुआ करते हैं अपने बच्चों को, उसको चर्च लेके जाते हैं, चर्च के कुछ प्रोग्राम होते हैं बच्चे के, वो फिर बच्चे देखते हैं, फिर घर आते हैं, फिर खाना वगैरह खिलाते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि हम पूरे साल के लिए खुदावंद की हजूरी में जाते हैं और शुक्र अदा करते हैं, और आने वाले साल को भी खुदावंद अपने पाक हाथों में रखे। बाजी, जश्न आज़ादी जो है उस दिन बच्चे किस तरह से घर को डेकोरेट करते हैं, किस तरह आप इन्वॉल्व होकर उनके साथ ये जश्न मनाते हैं? बच्चे बहुत शौक से मनाते हैं, झंडियाँ वगैरह घर में लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं घर को, और वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। क्या उनके स्कूलों में भी कोई एक्टिविटीज़ होती है 14 अगस्त के हवाले से? बहुत होते, मिनी नगमे गाते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, वो स्कूल में बहुत शौक से जाते हैं। हाँ, ये मिनी नगमे और झंडियाँ और झंडे, ये तो जब 1 अगस्त ही होता है तो हम देखते हैं कि गलियाँ जो हैं वो डेकोरेट हो जाती हैं, लोग अपने घरों पे झंडे लगाते हैं, फिर अपनी मोटर बाइक पे, अपनी गाड़ियों पे, साइकिलों पे, यानी हर तरफ जो है 14 अगस्त की तैयारी जो है उसका समा होता है। बल्कि हर बाज़ार में, चौक में पाकिस्तानी कलर के कपड़े और झंडे जो हैं वो हमें आम तौर पे नज़र आते हैं। ऐसा ही होता है, बच्चे बहुत शौक से इंजॉय करते हैं और शोर शराबा करते हैं। मिस्टर रजा, आप एक मसीही होते हुए किस तरह से जश्न आज़ादी को मनाते हैं? हमें एक मसीही होते हुए सबसे पहले कि हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और हमें चर्चेज में जाकर अपने मुल्क की तरक्की और बका के लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जसवर भाई ने कहा कि हमारे बाइबल मुकदस में ये लिखा है कि जिस हुकूमत के आप ताबिया रहते हो उसके लिए दुआ करो।